yeah. The pain I felt is paid for, all is said and done. That my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मंडावा। कल का दिन बहुत ही धमाकेदार था। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। पहले उठे थे, बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके आए। एक्सप्लोर करना है हवेली को। यार यहाँ की जो शांति है ना, शांति बड़ी प्यारी है। तो साथ में हमारे राजीव भाई हैं। राजीव भाई बहुत बढ़िया आदमी, बहुत शरीफ आदमी है। टाइम से उठ के नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह करके एकदम फिट फॉर बैठे हैं। एक हम मैं भाई पहले खाना खाया है, उस हाथ मुंह धोया नहीं, सीधा खाना खा के अब नहाएंगे धोएंगे अब फिट होंगे। बाकी हमारे भरत भाई साथ में हैं। वी आर रेडिंग टू रोल। बाइक कॉल्ड स्टार्ट है, सब लोग लाइन अप होते हुए। व्हाट अ रेव मैन, बहुत मजा आला है। ये देखो, जिसको बोलते हैं एंटीक आर्किटेक्चर, इसी के लिए ही राजस्थान फेमस है। राजस्थान की गलियों में हम लोग घूमते हुए। मंडावा कालांतर में जो है, इट वाज अ बिटवीन सिल्क रूट था। यहाँ से दो रूट गुजरते थे, सिल्क रूट और स्पाइस रूट। शुरुआत कर रहे हैं हम मुरमुरिया हवेली से। और ये जो भी आप सारा नज़ारा देख रहे हैं, ये सब नज़ारा जो है ये मुरमुरिया हवेली का है। हवेलियाँ हैं जिनके टाइम पीरियड अलग अलग हैं, और यहाँ बैठ करके व्यापारी लोग, बिजनेस मैन जो लोग हैं, यहाँ बिजनेस किया करते थे। ये हैंड फैन चलाने वाला एक आदमी हुआ करता था, बिजनेस सीधे रखने के लिए वो डेफ होता था, बहरा आदमी होता था कि जो उनकी सुन नहीं सके पाते। अभी ड्रोन शॉट आपने देखे होंगे, आई होप कि पसंद आए होंगे। गौर फरमाइए चित्रकलाओं पर, इनका नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है और आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। इस टाइप की सीढ़ियाँ हैं, टंगी रखी है, अगर आपको पतंग उड़ानी है तो पतंग उड़ा सकते हैं। नज़ारा बिल्कुल अद्भुत। छत पर सब लोग यहाँ पर मस्ती मारते हुए। तानिया कैसे पंखा झूलती थी वो दिखाता हूँ। चेक करते हैं इसमें हवा आती है कि नहीं आती है, थोड़ा सा तेज झुला के फिर इसके नीचे चल के देखते हैं। तो हाँ यार, हवा आती है इसमें, सच में हवा आती है, गर्मी के हिसाब से परफेक्ट है। एक्सप्लोर करने के बाद में बैक टू पवेलियन। हम लोग लाइन में, और अभी इट्स अ लंच टाइम। पूरा बफेट सिस्टम है यहाँ से पूरा वहाँ तक।
दिस इज आवर डाइनिंग एरिया, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ हम यहीं करते हैं। और कुछ स्पेशल आइटम ये मुझे मालूम नहीं क्या था, पापड़ की सब्जी, पापड़ मंगोड़ी ये हमारी कड़ी है और ये हमारी दाल है और रोटी है, रोटी के नीचे सलाद है, थोड़े से चावल है और ये कैर सांगरी है, पहली बार टेस्ट करूँ। सो गियर अप हो चुके और बढ़ रहे हैं सीधा स्लो रेस की तरफ और मेरे ख्याल से ये शायद बाइक का लास्ट टास्क है। हाँ, बाइक से रिलेटेड ये लास्ट टास्क है, इसको झटपट से कंप्लीट करते हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, सही चल रहा। यार फाइनली सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस थोड़ा सा ब्रेक और एक्सीलेटर का बीच में हल्का सा एक सेकंड के लिए मेरा कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया, इस चक्कर में ठीक है। फर्स्ट टाइम था, ट्रायल भी नहीं मिला, ट्रायल के लिए भी मना कर दिया था कि ट्रायल नहीं मिलेगा आपको, तो पता नहीं क्या इनको लगा कि हम बहुत एक्सपर्ट रेसर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट रेसर नहीं है। तो चलो कोई नहीं, जीत हार जिंदगी का खेल है, ये सब हमेशा चलता रहता है। तो अपना यहाँ काम खत्म हो चुका है, बाकी एक्टिविटी तो अभी यहाँ पर जारी है, अपना काम खत्म हो चुका है क्योंकि मेरे को अभी और भी शॉट लेने। नहीं रही है मेरे साथ डे टू में बहुत कुछ है देखने लायक, गाइस सीरियसली स्टे ट्यून विद अस। तो क्राफ्ट एक्टिविटी का जो आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं ये बहाना है और इसके थ्रू हम लोगों को ये सिखाना है कि इमरजेंसी केस में आप अपनी बाइक का टायर कैसे चेंज कर सकते हैं, इमरजेंसी केस में कोई भी सिचुएशन होती है तो बाइक से रिलेटेड, तो छोटी मोटी कमियां आप अपने ही थ्रू कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक इवेंट, इस इवेंट में क्या है कि आपको आपके एक डेमो दिखाया जाएगा आपकी बाइक को लेकर, जिसमें टायर को खोलना और जल्दी से जल्दी उसमें फिट करना है। फिट करने के बाद में जो आपका टेक्निकल इंजीनियर है उस इंजीनियर को अप्रूवल आपको देगा, उसके बाद में ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं इस ट्रैक को पूरा कंप्लीट करके जो भी राइडर सबसे पहले यहाँ पर आएगा वो विनर होगा। करना चाहता ही तो नॉर्थ मंडावा चैप्टर के अंदर में राइडर्स बोल रहे हैं कि जल्दी करो, और ये टीम 4 है, टीम 3 उधर है, उनका भी उधर पूरा प्रॉपर चल रहा है। लेट्स सी एक बार उनका भी एक बार देख लेते हैं नजारा, इनका भी पूरा हो गया, हो चुका है लगभग ऑलमोस्ट। टेक्निकल इंजीनियर यहाँ भी पूरा इंस्पेक्शन करते हुए पूरा देखते हुए, दोनों राइडर्स ऑन टाइम बिल्कुल रेडी हैं। ओ, एक बाइकर्स की बाइक बंद पड़ गई है, एक ट्रैक अभी भी और भी बाकी है। ब्लैक वाली RR 310 को थोड़ा बेनिफिट मिल गया है क्योंकि पीछे वाली ओ रो 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 रो, और ये भाई साहब पूरा डिफीट करते हुए, ग्रेट 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 ग्रेट।
और यहाँ पर RR 310 का आप देखेंगे ABS किस लेवल का है। देखो एक बार भी बाइक यहाँ पर स्लिप नहीं होती है और बाइक आते हुए यहाँ पर और पूरा दोनों बाइक प्रॉपर और ये प्रॉपर यहाँ पर स्टैंड पे लग भी चुकी है थोड़ा इधर पे यहाँ पर थोड़ा सा। और यहाँ टीम 3 जो है विनर आ चुकी है, उन्होंने दोबारा से पूरा पैडॉक स्टैंड पर अपनी बाइक को प्रॉपर कर दिया है। निकलते हैं यहाँ से। तो गियर नहीं पहने हुए थे भाई ने? गियर नहीं पहने थे। अच्छा, उन्होंने गियर में चेन लूप कर दिया। नाखून कितने लोग आए हो आप? हाँ नाखून इतना हम उठाओ मैं कह रहा था ना तुम ज्यादा मत करना, ये फिर निकल गया। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। वीली मारो मैं। आज सेकंड डे है हमारा और आई होप आज लास्ट डे है। कल मॉर्निंग में निकलने का प्लान रहेगा। बजरंगी भाईजान की और शायद दूसरी एक मूवी थी पीके, उसका जो शूट वाला स्पॉट था उसको हमने आज नहीं कवर अप कर पाया ड्यू टू सम रीज़न। सो मे बी पॉसिबल शायद कल हम उसको एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है आज रात की पार्टी पर, सुबह कितने बजे उठते हैं। बने रहिए मेरे साथ, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है, पार्टी अभी बाकी है। स्टे ट्यून्ड विद अस। गाना बजाओ। फाइनली रात को 1:30 बजे हम लोग कर रहे हैं डिनर और डिनर हो चुका है हमारा फिनिश। डांस आपने देख लिया होगा, काफ़ी आपको मजा आया होगा। डिनर अपना हो चुका है, रात के 1:40 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, तो जस्ट अब सोने की तैयारी है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में इस फिल्म को एंड करते हैं और आई होप कि डे 2 में मंडावा राइड में नॉर्थ चैप्टर में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई राइड के साथ में। रुको, अभी कुछ स्पेशल है, अभी स्पेशल है, कल के लिए भी मॉर्निंग में कुछ प्लान करा है। यस यस यस, अच्छा ओवर है, कुछ सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगा, कल मॉर्निंग में डिसाइड करके देन आप लोगों से मिलते हैं। फिलहाल तब तक के लिए डे 2 की एंडिंग करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए सरप्राइज के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे लेते रहिए। बेचरा कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।